माननीय डियर स्टूडेंट, श्री लोधी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट की थी। आज हम 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें कौन से संबंधित सवाल पढ़ना है, कौन मतलब होता है आपका शंकु, शंकु क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी पहले हम आपको बता देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि आपका कौन होता है, ठीक है। इस टाइप का आकार आपने कहाँ कहाँ पे देखा है, तो आपने सॉफ्टी खाई होगी, कुल्फी खाई होगी, उसका जो आकार होता है वो इस प्रकार का होता है। आपने मेहंदी वाला जो कौन आता है वो भी इसी आकार का होता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बर्थडे वगैरह मनाते हैं, तो वो इस तरह की केक लगाते हैं, वो भी आपका क्या होता है, एक कौन होता है। तो एक कौन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो ये जो होती है तिरछी ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, मतलब जीने जैसी हाइट जो होती है उसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। और जो खड़ी वाली होती है दीवार की तरह, उसको हम एज बोलते हैं। और नीचे आपका जो सर्किल के आकार का बना हुआ है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सर्किल जो है उसके जो हाफ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और फुल जो होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके तीन फॉर्मूले निकल के सामने आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे हमने थोड़ा नाम नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन बराबर पाई आर एल होता है। फिर दूसरा आपका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल होता है। और इन तीनों चीजों यहाँ पे हमें आर एच और एल, ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों में से हमें कोई दो चीजें दी होगी और तीसरी चीज हमें निकालना पड़ेगी। तो तीसरी चीज इनमें से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब पक्षांतर करके हम इसको आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की भी निकाल सकते हैं और एल की भी निकाल सकते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी निकाल लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप बुक से रीड करेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5, यानी एक कोन जो दिया है उसका आधार का जो व्यास दिया है 10.5 है, एंड इट स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, और जो त्रिया ऊंचाई है स्लैंट हाइट है वो आपकी 10 सेंटीमीटर दी है, फाइंड द कर्वेड सरफेस एरिया। तो इसका कर्वेड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो चीज़ें इसमें गिवन दैट है वो हमने आपके सामने लिख दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब निकालना आपको क्या है, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, पाई आर एल, पाई आर की जगह पे, और इसमें सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है कि एज्यूम पाई बराबर 22/7 अनलेस स्टार्ट अदरवाइज, मतलब जब तक आपसे कहा नहीं जाए तब तक आपको पाई की जगह पे 22/7 रखना है। जब तक आपसे इसके अलावा कुछ और नहीं बोला जाता तब तक आपको पाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की है, और जब हम इस
सेकंड हम लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ऑफ अ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इट इज स्लेंट हाइट इज 21 और इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है वो आपको 21 मीटर दी है एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 और उसका आधार को जो व्यास दिया है वो आपको 24 सेंटीमीटर सॉरी मीटर दिया हुआ है। तो इसमें आपको टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो ये तीनों चीजें दोनों चीजें आपको गिवन है, डायमीटर दिया है। डायमीटर सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ती है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो यहाँ से इसका हाफ हमने कर दिया। अब यहाँ पे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इसका फॉर्मूला आपका पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। पाई की जगह पे 22 बटे 7 रख दिया, आर की जगह पे आपको 12 रखना है, ठीक है, और आर की जगह फिर से 12 और एल की जगह पे 21 रख दिया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका 33 आएगा। आप इसको इनमें से कोई भी संख्या आपकी कटने रही है तो आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली आपको सॉल्व करवाएंगे तो इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि फिर हम आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए हैं फिर गुणा भाग करने के लिए बैठ जाए तो आपका एक ही सवाल हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, इसलिए हम इसको पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इसको कैलकुलेट करते रहें और जहाँ भी आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th लेते हैं। इसमें 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट बेस 24 मीटर, फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। इसमें दो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज 70 रुपीज। तो दो क्वेश्चन इसमें आपके जुड़े हुए हैं। इसमें आपको क्या दिया है, एच बराबर 10 मीटर दिया है, आर बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ता है कौन सा, तो पाई आर एल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एल तो हमारे पास है नहीं है, आर हमारे पास है, एच भी हमारे पास है, दो चीजें हमारे पास है। तो तीसरी चीज निकालने के लिए आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू अगर आपको पता है तो इन तीनों में से दो की वैल्यू अगर आपको पता है तो तीसरी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला रहता है वो आपका राइट हाइपोटेनस थ्योरम से निकलता है, संपूर्ण कर्वभुजा प्रमेय से निकलता है, क्योंकि इसमें ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है और ये क्या होता है, आपका रेडियस होता है, ये आधार होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे हम एल का मान निकालेंगे, तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आर की जगह पे 24 इंटू 24 प्लस 10 इंटू 10 ये रख दिया। जब इसका
यहाँ पे हम 6 से करेंगे, 6 का यहाँ, 6 का यहाँ, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, तो क्या निकल के आया आपका 26, तो L बराबर आपका 26 हो जाएगा। अब इसमें हमें निकालना था कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आई आर एन, तो इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया, आई की जगह पे ये रखा, आर की जगह पे 24 रखा और एल का मान हमने निकाल लिया था 26। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 7 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो 7 से डिवाइड कर लो, नहीं हो रही है तो आप ऐसे कैसे लिखा रहते, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया और 7 को ऐसे कैसा लिखा, अब आपका आंसर ये हो गया। लेकिन इसमें आपको क्या दिया हुआ था, इसमें आपको दिया हुआ था द कॉस्ट, द सॉरी इसमें फर्स्ट नंबर का था, इसमें सेकंड नंबर का आपको निकालना था कि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 स्क्वायर मीटर का मेजरमेंट रिक्वायर्ड 70 रुपी पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट दिया हुआ है वो आपको 70 रुपी दिया है, तो यहाँ पे आपको इतने का निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन 3728 अपॉन 7 स्क्वायर मीटर इंटू 70। अब इसको हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, और जब इसका 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 13000, ये कितना है 1,37,280 रुपए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का जो आपको खर्च आएगा वो 1,37,280 रुपए आएगा। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो क्वेश्चन दिए हुए थे, एक तो आपको सिलेंडर